नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज 7। लगातार कवरेज, पार्टी की कवरेज, निकाय चुनाव की कवरेज जारी है। हम आपको हर वार्ड से जो कैंडिडेट्स नुमाइंदे खड़े कर दिए गए हैं उनके साथ रूबरू करवा रहे हैं ताकि वो अपनी वार्ड में अपनी वार्ड के लिए क्या कार्य करवाएंगे अगर वो नुमाइंदे खड़े किए हैं। कई जगह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कई जगह पार्टी के उम्मीदवार नुमाइंदे जो हैं वो उभर कर सामने आए हैं। आपको बता दें कि पीडीपी और एनसी ने तो बॉयकॉट कर दिया इलेक्शन को, लेकिन गवर्नर साहब के आते ही इलेक्शन को शुरू कर दिया गया। इलेक्शन जोरों शोरों के है, गली नुक्कड़ में हर जगह गाजे बाजे के साथ निकाय चुनाव की चर्चा हो रही है। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर, ये है 13 वार्ड नंबर में हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे कांग्रेस का बोलबाला काफी देखने को मिल रहा है, काफी लोग कांग्रेस के साथ देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे काफी लोग हैं और सामने भी काफी लोग हैं जो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। अब देखना ये है कि कांग्रेस क्या जीतती है, बीजेपी जीतती है या इंडिपेंडेंट पार्टी का कोई वर्क करती है, ठीक है। सो आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की जो महिला यहाँ से उभर कर सामने आई है उनसे बात करेंगे और पूछेंगे उनके मेन मुद्दे क्या रहेंगे, वो अपनी वार्ड के लिए क्या कार्य करवाएंगे। मैम अपना नाम बताइए। रमा जी, कांग्रेस ने आपको टिकट दी है, आप कांग्रेस की नुमाइंदा है जो आप उभर कर सामने आए हैं, महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है। तो पहले मुझे कही कि कांग्रेस में आपने ऐसी क्या चीज देखी जो आपने कांग्रेस पार्टी को चुना? बहुत अच्छी है कांग्रेस, पुरानी पार्टी है, सारे काम वो करती थी। अभी जो नई पार्टियाँ आई हैं वो क्या कर रही है, वो तो कुछ नहीं कर रही है। तो अभी लोग एक तरफ हो जाते हैं, पहले बोलते हैं कि चलो इधर ही बीजेपी को वोट देते हैं, तो अभी बीजेपी के भी दिए, फिर अभी बोलते हैं कि चलो कोई भी अगर कोई गाना ही चलता है तो वो भी थोड़े दिन चलता है, तो ऐसे ही मोदी का भी नाम अभी थोड़े दिन चलेगा। ठीक है मैम, मुझे ये बताइए कि अब इलेक्शन है, हर जगह बोलवाला है इलेक्शन का, निकाय चुनाव है, जगह जगह बैंड बाजे, मेरे पीछे जो आवाज आ रही है लगता है किसी और पार्टी के कार्यकर्ता निकले हैं बैंड बाजा लेकर, ये तो चलता रहेगा। मैम मुझे ये बताएं कि आपके मेन मुद्दे क्या रहेंगे अगर आप निकाय चुनाव में जीत हासिल कर रहे हैं, जो सफाई स्कूल का होगा, जो गलियां टूटी फूटी होगी वो बनवाऊंगी, जो इनका जो भी ये बोलेंगे जो हमारी प्रॉब्लम है वो मैं देखूंगी सुनूंगी। अगर आधी रात को कोई भी आपके पास अपनी मुश्किलात का हल लेकर आता है आप उसका हल निकालेंगे? निकालेंगे, क्यों नहीं निकाल सकते, बाकी आप महिला एक जो महिला मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं उनके लिए करूँगी। रमा कुमारी थोड़ा पब्लिक का ले लो। हमारे साथ ही रमा कुमारी जी वार्ड नंबर 13 से जो कांग्रेस के तरफ से नुमाइंदा है जो उभर कर सामने आई है, वो साफ कहती है कि वो अपनी वार्ड का पूरा अच्छी तरह से कार्य करवाएंगी और अपनी वार्ड को एक स्मार्ट वार्ड बनाएंगी। किसी भी वार्ड में चले जाए हर बंदा ये कहता है कि हम अपनी वार्ड को एक स्मार्ट वार्ड बना के बताएंगे। रही बात, ये तो लोग जानते हैं, जनता जानती है कि उनको वोट किसको देना है, ये सब आपके हाथ में है। हम आपको सिर्फ जेके न्यूज 7 के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि निकाय चुनाव लगभग 13 साल के बाद सामने आए हैं, गवर्नर साहब ने आते ही निकाय चुनाव की घोषणा की है। जनता से मेरी अपील है कि बढ़ चढ़ कर वोट डालें, वोट जरूर डालें क्योंकि वोट आपका अधिकार है। मेरे पहले इंटरव्यू में मैंने आपको बोला कि वोट जरूर डालें, वोट अपना अधिकार है, अधिकार को बिल्कुल भी गवाइएगा मत और जो आपको ठीक लगता है वैसा कीजिए, चाहे जिसको मर्जी वोट दीजिए, निर्णय आपका है, चाहे कांग्रेस को, चाहे बीजेपी को, चाहे इंडिपेंडेंट को, चॉइस इज योर्स। कैमरा पर्सन शिव प्रताप सिंह राठौर के साथ ममता गोरिया, जेके न्यूज़ 7।